आगे मुंह उठा के। तो मैंने क्वेश्चन डाला था कि कौन सा देखना भाई, कौन सा रिव्यू डालूं, डर्बी दी इटालिया का, मैनचेस्टर डर्बी का, या फिर बेटिस मोटेड का। तो काफी आंसर आया कि मैनचेस्टर डर्बी का डालियो, कल डालूंगा। मैंने डाल रहा आज, मैं डाल रहा आज, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये पहले गुजर जाए, इसको मैं डाल लूँ, फिर एक नया स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है? मैं ये सोच रहा हूँ। तो मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, सही में मुझे बुखार हो रहा है। अगर अगर तुम मेरे को तुम अगर तुम मेरे लाइव सेशन देखते हो, मैं जब लाइव आता हूँ कभी कभी, वाह, तो मैंने एक बार एक लाइव में भौंका था कि मैं अपनी लाइफ बदल रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, मैंने वो क्या कहते हैं, शपथ ले ली मैंने, मैं अपनी लाइफ बदल रहा हूँ आज से। आज से मैं रात को नहीं जागूंगा। एक एशियन फुटबॉल फैन रात को ना जागे, क्या बात कर रहे हो? यानी कि मैं जो रात के मैचेस होते हैं वो सुबह उठ के देख लूंगा। तो मैं जल्दी उठूंगा, मैं 6 बजे, मैं 5 बजे उठूंगा। मैं उठ रहा था, मैं उठ रहा था, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दंड पेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अपना पूरा दिन एक प्रक्रिया, एक स्केड्यूल चला रहा हूँ, ठीक है? बट एक एक्सेप्शन थी उसके लिए। जब भी कोई बड़ी गेम होगी, या फिर कोई मड्रिड की, या फिर कोई चैंपियंस लीग, फिर कोई, या फिर कोई भी जनरल में बड़ी गेम होगी, क्योंकि मैं एक न्यूट्रल फुटबॉल फैन हूँ, ठीक है? तो मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा और मैं देख लूंगा। तो आज वैसा दिन था, बेटिस वर्सेस मड्रिड, यानी कि बेटी चोद वर्सेस मड्रिड, बेनिटो वियामारिन में बड़ी गेम, ठीक है? बड़ी गेम, बड़ी गेम, पहला हो, याद रखना, पूरी वीडियो में चले गए, बड़ी गेम। बट मेरे को बुखार हो रहा है और मेरा सर दर्द हो रहा है, तो क्या मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया? मुझे डर लग रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस से याद आया कल मड्रिड की परफॉर्मेंस, वहां के छूत यार, सही में। 1:30 बजे मैच स्टार्ट हुआ, 3:30 खत्म हुआ, 5 बजे तक सोया नहीं, सुबह 12 बजे उठाऊं, सुबह या दोपहर जो भी बोलो, सड़ा पड़ा पूरे दिन से, घर वालों से लड़ रहा हूं, बकचोदी पेल रहा हूं, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा अभी तक। ये बकचोदी देखो, थैंक यू रियल मैड्रिड फॉर दिस परफॉर्मेंस, थैंक यू रामोस, थैंक यू जिडान। अरे हमारे में एनर्जी नहीं थी, इंटेंसिटी नहीं थी, हो सकता है यार 11 गेम बचे गिनते के यार, अब तो बारसा 2 पॉइंट आगे हो गए, क्या बकचोदी है इतनी, क्या बोले, एटीट्यूड बोले, क्या बोले इसको, पता नहीं मुझे। क्योंकि एल क्लासिको की विक्ट्री के बाद, ब्रैगिंग राइट्स लेने के बाद, अगेन कैटास्ट्रोफी को रोकने के बाद, मेंटेन करना होता है ना उसको, उसको मेंटेन करना होता है, नहीं करा। तो क्या था नाम, क्या नाम था उसका, टट्टे चाटा सीरीज नाम था ना, मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस दो, मुझे सॉरी, मुझे वापस दो मेरा टट्टे उखाड़ना सीरीज, आज टट्टे उखाड़ना सीरीज एपिसोड 1। क्योंकि मेरे को लगता है कि जब कितनी 11 गेम बची, और अभी तुमको पता है जो सिटी वाली गेम है उसमें कोर्तवा शायद से नहीं खेलेगा, और आफ्टर सिंह इधर मिलता की परफॉर्मेंस अगर वो खेलेगा तो पता नहीं क्या बकचोदी होगी। प्लीज मत बहो कि यूनाइटेड ने सिटी को हरा दिया, सिटी चंडी रूप में होगी, चंडी रूप में अगेंस्ट मैड्रिड, पक्का वो बदतमीज टीम है। तो चैंपियंस से राउंड ऑफ 16 में बाहर होना, और क्या अपना लालीगा भी, वाह यार वाह, मुझे पता नहीं था मैं अभी बैठूंगा और ये बोलूंगा, मुझे पता नहीं था, क्योंकि 1-2 महीने पहले क्या, माँ की छोड़ो कोई बात नहीं, जंपिंग इनटू दिस गेम, क्या बकचोदी थी, क्या कुछ नेगेटिव स्पीकअप करने को, कुछ फैक्ट्स बोलते हैं हम कुछ, अब ठीक है बहुत बकचोदी बहुत होगी, ठीक है ना। बेटिस वर्सेस मड्रिड, इसको इस गेम में क्यों नहीं खेला मुझे पता, इसको था बेंच पे, मैं भूल गया इसको बेंच पे, मुझे पता नहीं, जो ही बकचोदी है, इसको बेंच पे नहीं था शायद से, इसको क्यों नहीं था, छोड़ कोई बात नहीं, ठीक है। 4-3-3 मड्रिड का, जिडान ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वी स्ट्रगल्ड बिकॉज हम इतनी बॉल नहीं ले पाए, इतना बॉल पोजिशन रख नहीं पाए, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक दिस क्लेम कि आफ्टर दिस गेम क्रूस, काशेमीरो, मॉड्रिच, दिस ट्रायो, डिप्लीटिंग डिप्लीटिंग, नॉट डेड बट डिप्लीटिंग, फेदे वाल्वेर्दे चाहिए ही चाहिए। अब ना, जैसे कि मैंने बोला था, मैं क्यों जागा, बड़ी गेम थी, बेटिस वर्सेस मड्रिड एक बड़ी गेम है, बेनिटो वियामारिन हार सकते हो, वाई इज फेदे ऑन द बेंच, क्यों आप क्यों ट्रायो बन रहे हैं काशेमीरो, क्यों हर बड़ी गेम में वाल्वेर्दे खेलता है ना, तो क्यों नहीं खेल रहा इस गेम में? अगर इतनी रोटेशन करनी है, इतना हर किसी को खुश करना है, तो अगली गेम एट अगेंस्ट एबार है एट होम, उसमें कर लो यार, उसमें जिडान तो खुद खेल लो, उसमें फेदे वाल्वेर्दे क्यों नहीं खेल रहा इस गेम में, मुझे समझ नहीं है पहली बात तो। और इसको बेंच पे था मैं भूल गया, क्योंकि इसको अगेन पोजेशन रखना है ना कि इसको चाहिए, बट मैं उसके पॉइंट में क्लियर नहीं हूँ, सॉरी मैंने स्टडी नहीं करी इसको के बारे में, सॉरी माँ की चोट, कोई बात नहीं। बट ठीक है, ये 4-3-3 फॉर्मेशन, वास्केस खेल रहा है, विनी खेल रहा है, प्लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भौंक रहे हैं कि सेंटर पेनिट्रेशन कम है, और अगर सेंटर पेनिट्रेशन चाहिए तो नंबर 8 को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? यानी कि पीछे जो फकीर है, ग्वारदादो, और कौन है, मोरो नहीं, गोंजालेस,
इनके पास पीछे स्पेस है ठीक है, तो तुमको प्रेसिंग अच्छी करनी पड़ेगी एंड दैट्स व्हाट मैड्रिड डिड। मैड्रिड की जो प्रेसिंग थी ऐसी नहीं थी कि बेंजेमा सिर्फ प्रेस कर रहा है और उनके सेंटर बैक्स पे स्पेस है, नहीं, क्रूस प्रेस करने जा रहा है, अग्रेसिव थी, तो पीछे बंदा लेफ्ट है तो कासेमिरो उसको ओपन कर रहा है, फिर फकीर आ रहा है तो वो आउट नंबर करने की बकचोदी कर रहा है अपनी, ऑब्वियसली काफी सेंट्रल खेली बेटिस, काफी सेंट्रल पूरा उन्होंने अच्छी तरह, कौन उनके रूबी जो छोटा सा मैनेजर है, बड़ा उसने बड़ा फायदा उठाया दल्ले ने, ड्वार्फ ने भोसड़ी के, सही में सारे सेंट्रल पासेस खेले एंड इतनी इजिली प्रेस बीट हुई मैड्रिड की, क्रूस मॉड्रिच कासेमिरो लिटरली अपने में बात कर रहे कि भाई तू उसको मार्क कर उसको मार्क कर, फिर सोल्यूशन का निकलता है कि भाई पीछे से रामोस ने कवर नहीं करा, मैं कम से कम 5-6 बार ये पॉज करके यही देख चाहूँ, यही मैंने कहा मैं भी कुछ चाहता हूँ, लड़ लेते हैं एक दूसरे में, लड़ लेते हैं मार लेते हैं दूसरे को। रामोस की डिफेंडिंग अगेन, आई थिंक रामोस की डिफेंडिंग पूर होती जा रही है, सही बताऊँ तो हर कोई इसका टट्टे उखाड़ के जा रहा है हर गेम में, सही बताऊँ तो हर कोई ड्रॉप करता है रामोस लुट चुका है। इट वॉज अ गेम जहाँ पे इंटेंस अगेन मैड्रिड ने पूरा बहुत ज्यादा क्या कहते उसे अग्रेसिव हुई, बहुत गैम्बल लिया अगेन, क्रूस मॉड्रिच अच्छी प्रेस कर रहे हैं, बट अगर मेरा राइट बैक गैब्रियल क्या मिलिताओ है, एक तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव हो गया, कौन आ रहा है फाइनल थर्ड में, कौन दे रहा है अंडरलैप ओवरलैप, कौन दे रहा है, कारवाल तो है नहीं, लुकास वास्केस और गैब्रियल, जब लुकास वास्केस और कारवाल होते ना ऐसे लगते हैं ये दोनों एक है, क्योंकि कभी भी वो राइट बैक खेलते कभी ऐसे हो जाता, बट यहाँ पे कोई लौड़ा भी कुछ लगा नहीं। लुकास वास्केस क्या करता है, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, पर वो क्या करता है, वो अच्छी बॉल्स डालता है बॉक्स में और उन बॉल्स को कौन जाएगा उसको मीट करने के लिए, कौन जाएगा, बेंजेमा। बेंजेमा का एल क्लासिको में लिटरली ही वॉज लो ऑन कॉन्फिडेंस, Why would you put this lineup and put so much pressure on Benzema? Again, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, Zidane is बाप obviously, but यार गलती हो गई Zidane गलती हो गई, फेदे वाल्वेर्दे गलती हो गई। Now talking about Betis, how they exploited 4-4-1-1 on paper थे वो, और formation उनकी literally फकीर ने जितनी pressing करी उतनी मैंने कभी जिंदगी में किसी को करते देखते, उसने लिटरली कासेमिरो स्ट्रगल उसने कासेमिरो के टट्टे उखाड़ दिए, सही बताऊं तो चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई थी एंड दिस डजंट हेल्प यार, चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। 2 पॉइंट बिहाइंड बार्सिलोना नाउ, अगली गेम अगेंस्ट ए बार, सिटी से बाहर है ऑब्वियसली, सीजन खत्म हो चुका है लिटरली, नहीं सोचा था मैंने नहीं, मुझे याद है मैंने पिछले सीजन एक हफ्ता था जब एक हफ्ते में बार्सिलोना ने 2 बारी मैड्रिड को हराया था, ला लीगा से बाहर किया और कोपा डेल रे से बाहर किया, क्या फ़र्क है उस सीजन इस सीजन में, ना हाजार्ड अपनी मरा रहा यूएसए में, और कौन अपना, और कौन है, योविच को क्या हो गया, योविच को क्या हो गया, क्या हुआ जिडान, तू उसकी ऐस से जलेस है, क्या हुआ उसकी उसकी वो अपनी गांड लेके घूमे भी ना, क्या करे वो, कोई बात नहीं, काफी क्वेश्चंस है आंसर करने को। दिस गेम आई वुड पुट एंड एज एवरीबडी कैन पॉइंट आउट लैक ऑफ इंटेंसिटी, अगेन वही बेसिक बातें बट तुम कैपिचुलेट नहीं कर पा रहे क्या तुमने, हाँ यही बकचोदी, प्रेसिंग वॉज नॉट गुड इनफ, फेदे वाल्वेर्दे बिग गेम में चाहिए, अगर वो इस गेम को शुरुआत से स्टार्ट करता तो बट अगेन मैड्रिड मेड चांसेस बनी, विनिशियस अच्छा था थोड़ा, बेंजेमा भी काफी बेंजेमा ने बकचोदी करी, बट सिर्फ कुछ कुछ प्ले बने, मैड्रिड अच्छा खेलती है, प्लेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं, बट ये हल्की गेम नहीं थी यार, आई थिंक जिडान का लाइनअप ही हल्की गेम बोलता है, क्रूस मॉड्रिच कासेमिरो बिग गेम में नहीं, कान पकड़ लो अपने पैर, तो क्या है अपना, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है कि माँ मत चूदो यार, नींद की माँ मत चूदो, खेलना तो खेलो वरना आई एम आउट, सही बताऊँ तो रात को जाग रहे हैं यार, कुछ तो शर्म कर लो यार, ऐसे बकचोदी तो मत करो यार, फिर तुम बोलते हो कि हमारे में था नहीं एटीट्यूड, क्या करें यार, होली हैप्पी छोटी लुली होली।